हेलो जी स्टूडेंट्स मैं अदिति व्याख्यता पी जी कॉलेज बेमेतरा से आज एम एस सी फोर्थ सेमेस्टर की पेपर फोर्थ जो कि है प्लांट पैथोलॉजी वहाँ से एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ जो है वॉट डिजीज़ ऑफ पोटैटो उसके बारे में जो है आज हम बात करने जा रहे हैं आइए वॉट डिजीज़ ऑफ़ पोटैटो क्या है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं उसका डिजीज़ मैनेजमेंट क्या होता है एंड डिजीज़ साइकिल क्या होता है जानते हैं वॉट डिजीज़ ऑफ पोटैटो ठीक है जिसको हम ब्लैक वॉट डिजीज़ कॉलीफ्लावर डिजीज़ वॉटी डिजीज़ पोटैटो ट्यूमर पोटैटो कैंसर ब्लैक कैंसर या फिर ब्लैक स्कैप जैसे नामों से जानते हैं ठीक है यह जो पोटैटो वॉट डिजीज़ होता है यह सिंकिट्रियम एंडोबायोटिकम नामक एक पैथोजन के द्वारा जो है होता है यह पैथोजन जो है प्रमेटिवली एक फंगस है जो स्टिमुलेट करता है होस्ट को टू प्रोड्यूस हाइपरट्रोफिक आई आउट ऑन द यंग पोटैटो ऑर्गन्स यानी कि जो है हाइपरट्रोफिक uh, जो है आउट ग्रोथ्स को जो है एक्टिवेट uh, करवाता है ऑन द यंग पोटैटो ऑर्गन्स जैसे कि आइज़ में स्प्राउट्स में यंग ट्यूबर्स में स्टोलन्स में स्टेम्स में लीव्स में एंड इवन फ्लावर्स में बट यह डिज़ीज़ जो होता है यानी कि हाइपट्रॉफिक आउटग्रोथ जो दिखते हैं वो प्लांट के बाकी सभी पार्ट्स में दिखते हैं सिवाय उसके रूट्स के रूट्स नेवर गेट अफेक्टेड ड्यू टू दिस डिज़ीज़ यह जो फंगस होता है यह हाइफे का फॉर्मेशन नहीं करता है बट इंस्टिट जो है यह स्पोरेंजिया का निर्माण करता है जिसके अंदर 200 से 300 सौ मोटाइल जूस स्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ये जो है आपको ऑलरेडी इस स्लाइड से क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो क्या होता है जैसे कि आप लोग को ऑलरेडी दिख रहा है कि आलू के जो ट आलू जो है ट्यूबवेल्स उसके ऊपर क्या है आपको जो है हाइपरट्रॉफिक या फिर एबनॉर्मल ग्रोथ जो दिख रहा है वही कहलाता है बहुत डिजीज ऑफ पोटैटो ठीक है इसके कारण क्या होता है कि ये जो आउट ग्रोथ होती हैं इनकी या फिर एबनॉर्मल ग्रोथ्स होती हैं जिसके कारण जो है पोटैटो जो है कंप्लीटली रॉट भी हो जाता है आइए इसका जनरल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं तो ये जो आ, वॉट डिजीज़ ऑफ पोटैटो है इसको जो है ब्लैक वॉट ऑफ़ पोटैटो कहा गया था सबसे पहले और इसको सबसे पहले 1895 में जो है हंगरी से जो है इस डिज़ीज़ को डिस्क्राइब किया गया था यानी कि हंगरी में जो है सबसे पहले इसको देखा गया था सिंस देन इट हैज़ बिन रिपोर्टेड फ्रॉम द रीजन्स ऑफ द टेम्परेट क्लाइमेट उसके बाद से जो है इस डिज़ीज़ को यानी कि हंगरी के बाद से जो है इस डिज़ीज़ को जो है वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से भी रिपोर्ट किया गया है जैसे कि यूरोप से नॉर्थ अमेरिका से एरियाज़ ऑफ साउथ अमेरिका एंड इवन साउथ अफ्रीका से भी जो है इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया है इंडिया में जो है सबसे पहले इस डिजीज को जो है रिपोर्ट किया गया था 1953 में दार्जिलिंग से बाय गांगुली एंड पाउल इसका काउजल ऑर्गेनिज्म तो इस डिजीज़ का काउजल ऑर्गेनिज्म जो है ऑलरेडी हम लोगों ने पहले वाली स्लाइड्स में बताया हुआ है कि इसका काउजल ऑर्गेनिजम है सिंकिट्रियम एंटोबायोटिकम ठीक है यह जो डिजीज़ होता है बॉड डिजीज ऑफ पोटैटो यानी कि जो है आलू में होने वाला बॉड डिजीज़ यह सिंकिट्रियम एंटोबायोटिकम के द्वारा उत्पन्न होता है यह आई का ईटियोलॉजी जान लेते हैं यह जो आ, सिंकिट्रियम एंट्रोबायोटिकम है यह किटिडियल को बिलोंग करता है और जैसे कि दूसरे किटिडियरिस के मेम्बर्स होते हैं वो माइसिलियम का फॉर्मेशन नहीं कहते हैं वैसे ही जो है सिंकिट्रियम एंड्रोबायोटिकम क्या है माइसिलियम का फॉर्मेशन नहीं करता है इंस्टिट ये जो फंगस होता है वो प्रोड्यूस करता है एक थिल थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर ठीक है यानी कि ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसको हम क्या कहते हैं स्पोरेंजियम इस स्पोरेंजियम की जो आ, बोलते हैं ना मेजरमेंट्स होती हैं वो होती हैं 25 टू 75 फाइव म्यूमीटर इन डायमीटर यानी कि जो है यह जो स्पोरेंजियम होता है यह 25 से 75 म्यूमीटर इन डायमीटर का होता है और साथ ही साथ में इस स्पोरेंजियम के अंदर टू टू थ्री जू थ्री हंड्रेड जू स्पोर्ट्स जो होते हैं यानी स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है ये जो टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड जो प्रेजेंट होते हैं ये मोटाइल होते हैं ये जो स्पोरेंजिया जो कि फॉर्म होते हैं विंटर सीजन में यह क्लस्टर्ड फॉर्म में यानी कि गुच्छे के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो वॉल होती है वो कैसी है वो वॉल जो होती है बहुत ही थिन वॉल्ड होती है ये जो आ, इनका जो मोटाइल स्टेज होता है स्पोर्स का वो स्पोर होता है जो कि ज़ीरो टू फाइव मिलोमीटर इन डायमीटर का होता है और इनके वन एंड पे जो है स्पोर्स के पोस्टीरियर फ्लैजुलम प्रेजेंट होता है आइए इस डिज़ीज़ का जो है सिम्टम देख लेते हैं वो डिजीज़ डेवलप ऑन ऑल अंडरग्राउंड पार्ट्स यानी कि जो है वॉट का जो सिम्टम होता है वॉट डिजीज का यह सिम्टम जो है प्लांट के सभी पार्ट्स में जो है देखने को मिलता है साइज ऑफ वॉट डिफर्स यानी कि जो है वॉट का जो साइज होगा वो बिल्कुल डिफर करेगा यानी कि जो है ऐसा नहीं है कि एक वॉट जो है यानी कि अब नॉर्मल ग्रोथ जो है अगर किसी पोर्शन पे आलू के हुआ है तो वो छोटा है तो दूसरे पोर्शन में भी छोटा होगा ऐसा नहीं होता कोई वॉट छोटा हो सकता है कोई वॉट जो होता है बड़ा हो सकता है कोई मिडिल साइज़ का हो सकता है इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस अर्ली इन सीज़न आउट ग्रोथ आर ग्रीन और ग्रीनिश व्हाइट इन कलर यानी कि जो है सीजन की शुरुआत में जो होता है यह डिजीज़ जो है यानी कि वॉट डिजीज में जो वॉट का फॉर्मेशन होता है वह शुरुआत में ग्रीन से ग्रीनिश वाइट इन कलर दिखते हैं ये जो वॉट जो प्रोड्यूस होते हैं वह रफली स्फेरिकल होते हैं इरेगुलरली शेप्ड होते हैं कॉन्वलेटेड कॉलीफ्लावर लाइक मासिस में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों ने पहले ही इस पोटैटो ट्यूबर में जो है इस डिजीज को देखा हुआ है धीरे से जो ये ग्रीन और ग्रीनिश वाइट कलर के जो आउटग्रोथ्स होते हैं ये धीरे से कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लैक इन कलर में इस डिजीज़ के लिए जो है हाइपरट्रोफी या फिर हाइपरप्लेसिया जैसी कंडीशंस जो है नज़र आने लग जाती है प्लांट के वेरियस पार्ट्स में आइए इसका डिजीज साइकिल देख लेते हैं स्प्रिंग सीजन में जब टेम्परेचर थोड़ा सा हाइयर होता है और मॉइस्चर होता है एन्वेरमेंट में तब विंटर सीजन में जो है स्पोरेंजिया जो है जर्मिनेट करते हैं ठीक है क्या मोबाइल जू स्पोर्स को जो कि क्या करते हैं इन्फेक्ट करते हैं सूटेबल होस्ट एपिडर्मल सेल्स को यानी कि जो है पोटैटो के प्लांट में जो है जब ऑलरेडी जो है वहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट है और जो है टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है तो जो उसपोरेंजिया जो वहाँ प्रेजेंट है वो क्या करेंगे वो मोबाइल जूसपोर्स का जो है निर्माण करेंगे और वह जो है सुटेबल होस्ट के एपिडर्मल सेल में जो है जाकर के इन्फेक्शन काउस करेंगे देन ये जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं समर के सीजन में जो है वापस से जो है स्पोरेंजिया का निर्माण करते हैं अब जैसे ही स्पोरेंजिया का निर्माण हुआ तो क्विकली जो है न्यू पॉपुलेशन ऑफ जू स्पोर्स जो होती है वो प्रोड्यूस होती है इस इस तरीके से जो है कि इन्फेक्शन साइकिल जो है वो कम्प्लीटली बार 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 रिपीट होता रहता है और जो इन्फेक्टेड प्लांट सेल होता है वह स्वेल हो जाता है यानी कि जो है उसमें हल्का सा सूजन सा दिखता है डिवाइड हो जाते हैं एंड सराउंडेड होते हैं डिवाइडिंग जूस से जिसके कारण जो है यानी कि बार बार जो है प्लांट सेल्स में जो है क्या है सूजन दिख रही है और उसके अंदर जो है डिवाइडिंग जूस पोर्स प्रजेंट होते हैं जिसको हम जो है एबनॉर्मल ग्रोथ कह रहे हैं वही बॉड डिजीज जो है सिम्टम शो होता है यहां पे देन नेक्स्ट कुछ स्ट्रेस कंडीशंस में क्या होते हैं ये जूस पोर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं जाइगोट का निर्माण करते हैं और ये जाइगोट जो है होस्ट सेल्स जो कि जो होस्ट जो कि होस्ट सेल्स में प्रेजेंट है वो क्या करते हैं अगेन जो है स्पोरेंजियम का जो है निर्माण करते हैं एंड देन ऑटम सीजन में जो है बॉट के जो रॉड्स होते हैं ठीक है वो क्या होते हैं डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और वापस से जो है एक थिक वॉल रेस्टिंग स्पोर्स का जो है निर्माण करते हैं कहाँ पे सॉइल के अंदर यह जो स्टेज होती है यह डॉर्मेंसी की पीरियड होती है यानी कि बिफोर जर्मिनेशन और इस स्टेज पे जो है क्या होता है कि जो है फंगस के जो स्पोर्स हैं वो मिया उनमें जो है मियोटिक डिवीजन या फिर माइटोटिक डिविजन्स जो है देखने को मिलता है देन अगेन जब नेक्स्ट सीजन जो है विंटर का आता है एंड जब पोटैटो का जो है प्लांट को जो है लगाया जाता है तो थ्रू सॉयल जो है वापस से ये जो है अगेन uh, पोटैटो के जो प्लांट की जो लीव्स हैं वहाँ पे जाते हैं एपिटर्मल लेयर में एंड वहाँ पे अगेन स्पोरेंजिया का कर निर्माण करते हैं देन अगेन स्पोरेंजिया से जो है वापस से जो है जूसपोर्स या फिर जिनको हम नॉर्मली लैंग्वेज में पोर्स स्पोर्स कहते हैं इन स्पोर्स का निर्माण होता है ये एपिडर्मल सेल्स से जो है क्या करते हैं इन्फेक्शन काउस करती हैं एंड इन्फेक्शन जो है पूरे प्लांट के पार्ट्स में फैलता है एंड अगेन जो है एबनॉर्मल या हाइपरट्रॉफिक या हाइपरप्लेसिया टाइप ऑफ कंडीशन जो है हमें पोटैटो ट्यूबर्स में देखने को मिल जाती हैं ये जो है डिजीज साइकिल ऑफ पोटैटो है ठीक है बहुत डिजीज ऑफ पोटैटो का डिजीज साइकिल है जहाँ पे ऑलरेडी हम लोग जो है जूसपोर्स एंड देन होस्ट इन्फेक्शन देन एक्टिव फेस एंड डोरमेंट फेस जिसकी हम लोगों ने अभी बात की है वह सभी आपको जो है नज़र आ रहा होगा आइए इसका डिजीज़ मैनेजमेंट देख लेते हैं तो इस डिजीज़ को जो है प्रिवेंशन एंड इस डिज़ीज़ को कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है सबसे फर्स्ट मेथड होता है डिजीज़ मैनेजमेंट का एंट्री ऑफ डिजीज मटेरियल इनटू हेल्दी एरियाज शुड बी प्रिवेंटेड इसका मतलब ये क्या है कि जो डिजीज्ड मटेरियल यानी कि जो डिजीज्ड पोटैटो ट्यूबर्स जिनको हम एज आ सीड्स के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं उनको जो है हम हेल्दी एरियाज जहाँ पे वह इन्फेक्शन कभी हुआ ही नहीं है वहाँ पे जो है हमको इन डिजीज मटेरियल्स को नहीं लगाना चाहिए सेकेंड द डिज़ीज पोटैटो ट्यूब शुड बी डिस्कार्डेड यानि कि पोटैटो ट्यूबर्स जिनमें हम जिसमें हमें यह इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है उन डिजीज पोटैटो ट्यूबर्स को जो है हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए या फेंक देना चाहिए या फिर जला देना चाहिए नेक्स्ट मेथड डिजीज़ मैनेजमेंट का होता है सॉइल ट्रीटमेंट में कंट्रोल द डिजीज़ टू अ लार्ज एक्सटेंट यानी कि जो है प्रॉपर सॉइल ट्रीटमेंट की जाए तो उससे भी जो है इस डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है जैसे कि आप लोग को पता है डॉर्मेंट स्टेज में जो है जू जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में जहाँ पे वो क्या करते हैं वह मियोटिक या फिर माइटोटिक डिविजन्स के थ्रू जो है स्पोर्स का नंबर जो है वो इंक्रीज करते हैं तो इस मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं सॉइल ट्रीटमेंट में स्टीम स्टेरिलाइजेशन की मेथड जो है वो कर सकते हैं या फिर जो है मर्क्यूरी क्लोराइड को जो है कॉपर सल्फेट के साथ है मिला कर के एंड फाइव परसेंट ऑफ फॉर्मलिन ठीक है इन तीनों को जो है हम मिला करके क्या कर सकते हैं अगर हम लोग सॉइल में जो है अप्लाई करें तो भी जो है इसे डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है बट ये सभी मेथड जो हैं बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली uh, है क्यों क्योंकि कॉपर सल्फेट है क्लोराइड है फॉर्मलिन है ये सब थोड़े से कॉस्टली आते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ डिजीज कंट्रोल होता है कल्टीवेशन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट वराइटीज यानी कि जो है हम लोग अगर डिजीज रेजिस्टेंट वराइटीज़ का कंटिन्यूसली यूज करें फॉर एट टू टेन ईयर्स तब भी जो है इस डिजीज को कंट्रोल में लाया जा सकता है आई होप आपको आज का ये जो टॉपिक है वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो समझ में आया होगा थैंक यू